आज़ादी की 75वीं वरेगंढ ते आओ दोस्तों अज असी तुहानू लै के चलते हाँ फिरोजपुर लागे हुसैनीवाला बार्डर ते सतलुज किनारे स्थित आज़ादी के महानायकां शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव की समाधि ते 23 मार्च 1931 नूं लाहौर जेल विच फांसी ते लटका के शहीद किए जाण मगरों लोगों के रोह तो डरदियां अंग्रेजी हुकूमत ने रात समय इस अस्थान ते उन्हां दी देहां नूं अगन हवाले किया। इस स्थान पर सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैम्बली में बंब सुट्टन समय उन्होंने साथी रहे बुटकेश्वर दत्त की भी समाधि है। उन्होंने दिल्ली में 19 जुलाई 1965 को प्राण त्यागे सन और उन्होंने इच्छा अनुसार इत्थे ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया गया। इन्हां चारों महानायकों तो इलावा इस स्थान पर बने पार्क में शहीद भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी का भी अंतिम संस्कार किया गया। उन्हां दी समाधि भी इत्थे ही मौजूद है। देश की वंड समय यह थान पाकिस्तान विच चली गई सी, पर सुलेमान की हेडवर्क्स फाजिलका नेड़े पेंदे 12 पिंड बदले यह जगह मुड़ 17 जनवरी 1961 को पाकिस्तान तो हासिल की गई सी। पार्क तो बाहर महान शहीदों को याद करदिया नाल ही इस बार्डर दे होईयां जंगां विच कुरबानियां करने वाले योध्यां दे भी शिलालेख हन। आज़ादी परवानियां नूं शरदा दे फुल भेंट करन तो पहलां गेट ते जुत्तियां उतार के अंदर प्रवेश किया जाता है। सज्जे हाथ इमारत विच किसी वेले फिरोजपुर तो लाहौर जाने वाली रेलवे लाइन के एक छोटे जिहे हिस्से ते एक रेलगड्डी का डब्बा खड़ा दिखाई दिंदा है, जिस अंदर हर रोज़ इत्थे आउण वाले लोगों नूं महान शहीदां दे इस अस्थान बारे जानकारी दित्ती जांदी है। सामने यादगारी दीवार ते सरदार भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव दे बुत्तां नूं नमन करन तो पहलां बुटकेश्वर दत्ती समाध है। इस दे खब्बे पासे दूर निगाह मारीए तां तिन्ने शहीदां दे बुत्तां दे दर्शन हुंदे हन। उस तो पहला मनसूई चीना विचकार तिन्हां दी समाधि है जिथे लोग अपना सिर झुकाउंदे हन। शहीदां दी समाधि ते सिर झुकाउंदिआं उर्दू दा उही शेर दिमाग विच फिर गूंजण लगदा है जो सरदार भगत सिंह नूं बहुत पसंद सी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पाकिस्तान तो यह जगह हासिल करन उपरंत करीब 4 सालों के अरसे मगरों इत्थे यादगार का निर्माण शुरू होया, जिसका नींह पत्थर 23 मार्च 1965 को उस समय के रक्षा मंत्री श्री YB चौहान वालों रखा गया सी। 3 सालों के अरसे इस यादगार का निर्माण कार्य पूरा होया। 23 मार्च 1968 को उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार लक्ष्मण सिंह गिल ने इस कौम को समर्पित किया। इस तो करीब 3 सालों मगरों इस कौमी विरासत को पाकिस्तानी फौज द्वारा 1971 की जंग दौरान तबाह कर दिता गया सी। 8 साल के अरसे मगरों 1979 इसका मुड़ निर्माण करवाया गया। बाद विच शहीदां दी इस यादगार को राष्ट्रीय मैमोरियल हुसैनीवाला का नाम दिता गया। इसका नींह पत्थर 23 मार्च 1985 को उदों के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा रखा गया सी। अज देश के कोने कोने तो लोग इत्थे महान शहीदां नूं अपनी शरदा दे फुल भेंट करन लई आउंदे हन।